रेगुलर क्लास करता है, सेवा भी करता है। बाबा ने जो बताया है वो आदि मध्य अंत का राज भी जानता है, तो उसको माया रावण कौन से पॉइंट से गिराएगी अंत में? कोई भी कितने भी सेवा करते हैं, लेकिन सेवा अहंकार पूर्वक करते हैं या आत्माभिमानी होकर के करते हैं? कुछ न कुछ अहंकार आता है या नहीं आता है, बताओ? आता है। और ये अहंकार जो आता है वो नीचे गिराता है, क्योंकि ज्ञान तो दाता का दिया हुआ है, बाप का दिया हुआ है। बाप की दी हुई चीज हम दूसरों को देते हैं, इसमें हमारे अहंकार की बात क्या आती है? लेकिन हम ये भूल जाते हैं, भूल जाने के कारण माया हमको नीचे गिराती है, इसलिए ऐसा होता है। पूर्वजों में आर्य समाजी का और नास्तिक का पूर्वज क्यों नहीं आता? पूर्वज होते हैं वो वंदनीय और पूजनीय होते हैं, आर्य समाजी कोई धर्म नहीं है, ये तो मठपंथ है। आधा नास्तिक है, क्योंकि निराकार को तो मानते हैं परंतु साकार को भगवान का रूप नहीं मानते हैं। तो ऐसे पूर्वज से क्या फायदा जिससे वर्षा न मिले? वर्षा साकार से मिलेगा या निराकार से मिलेगा? वर्षा तो साकार से ही मिलेगा। जो मेरे प्रकृति पति बच्चे हैं, उन बच्चों का काम है कि कंट्रोल से बाहर गई हुई प्रकृति को चारों तरफ से घेराव डाले। तो चैतन्य को प्रकृति को किस प्रकार घेराव डालेंगे बाबा? चैतन्य प्रकृति को किस प्रकार घेराव डालेंगे? और प्रकृति बच्चे जो है वो आठी होगी। योग बल से घेराव डाले, कोई बाहुबल की बात थोड़े ही है। योग बल से घेराव, प्रकृति जो है वो जड़ है या चैतन्य है? तुम्हारे ज्ञान को समझने वाली है या जड़ तुम्हारी बुद्धि है? प्रकृति जड़ तुम्हारी है, वो ज्ञान के आधार पर नहीं खींचेगी। कैसे खींचेगी? योग बल के आधार पर खींचेगी। तो योग बल से घेराव डालने की बात है, और वो घेराव तभी पड़ेगा जब सभी बाप के बच्चे संगठित हो जाएं, और संगठित होकर के बाप की याद में दृढ़ रूप से स्थिर हो जाएं, तो प्रकृति के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। तो ये जो प्रकृति पति बच्चे बोले बाबा, वो सभी के लिए बोला है कि केवल आठ के लिए बोला? अपनी अपनी प्रकृति, अपने अपने स्वभाव के सभी मालिक हैं। अपने स्वभाव संस्कार जो जन्म जन्मांतर के हैं, उनके ऊपर कंट्रोल करना ही प्रकृति का मालिक बनना है। हर एक की अपनी अपनी प्रकृति है, विश्वपिता की भी अपनी प्रकृति है। विश्वपिता सारे विश्व का पिता है, तो प्रकृति भी सारे विश्व की माता है। नंबर बार है महादेव ने जरासंध को ऐसा वरदान क्यों दिया कि एक दिन पांडवों को युद्ध में भारी पड़ेगा और अभिमन्यु के भी वीर गति को प्राप्त होने के निमित्त बनेगा, और यहाँ उसकी शक्ति कैसे होगी? उसको वरदान दिया वीरद्र। जय जय।
तो पूरी कथा कहानी पढ़ दी जल्दी 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 जल्दी, क्या बात पूछ रही है? दो महीने से रट रही थी। पूछो समझ के, क्या पूछना चाहते? महादेव ने जराद्रथ को ऐसा जराद्रथ नहीं नाम है, जयद्रथ नाम है। जयद्रथ जिसका रथ जीत लिया गया, अथवा जिसने रथ को जीत लिया उसका नाम जयद्रथ है। एक दिन पांडव को भारी पड़ेगा। भारी पड़ गया ना जब अर्जुन अभिमन्यु को वीर गति को प्राप्त होने के निमित्त भी बनेगा। जब अर्जुन लड़ाई पर चला गया दूर, और द्रोणाचार्य ने जो चक्रव्यूह की रचना की, कुछ चक्रव्यूह का बोधन अर्जुन के सिवाय तो कोई जानता ही नहीं था। अभिमन्यु को पता था, भेदन करना तो पता था, लेकिन बाहर निकलना पता ही नहीं था, इसलिए भारी पड़ गया। दिल्ली के तीन तरफ है हरियाणा और एक तरफ है ज्ञान की गठजोड़ करने वाला गाजियाबाद, तो चैतन्य में हरियाणा और ज्ञान की गठजोड़ करने वाला गाजियाबाद कौन होगा? यूपी का जो पुराना नक्शा है, जब उत्तरांचल नहीं बना था तो नक्शे का शेप शेर की तरह था, उस शेर का जो मुंह है वो गाजियाबाद हो गया। बाद में गजगोर करने वाला, काहे की गजगोर? ज्ञान की गजगोर। और जब ज्ञान की गजगोर करता है तो सारी दिल्ली उसके मुंह में आ जाती है। जो अव्यक्तवाणी में बाप दादा ने भी बोला है, सारी दुनिया की नजर दिल्ली पर है और बाप की नजर भी दिल्ली पर है। तो पावरफुल कौन है? दुनियावी धर्म ज्यादा पावरफुल है जिन्होंने दिल्ली पर राज्य किया है, या बाप ज्यादा पावरफुल है? बाप ज्यादा पावरफुल है। और है कहाँ का? है कौन से स्टेट का है? यूपी का है। तो मुख में से जब ऐसी ज्ञान की गजगोर निकलती है, ज्ञान की दहार निकलती है, तो दिल्ली के ऊपर पूरा कब्जा हो जाता है। बल तीन ओर से हरियाणा से घिरा हुआ है दिल्ली स्टेट। परंतु हरियाणा का उतना प्रभाव नहीं होता, उसका नाम ही है हरियाणा। कौन आना? हे हरि आना। वो किसको बुलाने वाले हैं? वो हरि माने कृष्ण को बुलाने वाले हैं। कृष्ण तो बाप का बच्चा है, बाप में ज्यादा ताकत होती है
या बच्चे में ज्यादा ताकत होती है, बाप में ज्यादा ताकत, ज्ञान में भी ज्यादा ताकत है। बाप है सारी सृष्टि का बीज, इसलिए ड्रामा प्लान अनुसार नक्शा ऐसा बना हुआ है कि दिल्ली जो छोटा सा स्टेट है, सारे भारत की राजधानी है, तो तीन तरफ से भला हरियाणा से घिरा हुआ है। एक तरफ यूपी है और यूपी में भी गाजियाबाद दिखाया गया है। ज्ञान की गजगोर तो शेर के मुख से ही निकलेगी, इसलिए नक्शे में शेर के मुंह में दिल्ली रखी हुई दिखाई गई है। और सीढ़ी के चित्र में सतयुग से कलयुग पीछे कौन बोल रहा है? पढ़ पढ़ के नहीं बोलो, मुख से बोलो, कथा कहाना सुन नहीं सुनाना। हाँ बोलो। हाँ जी, भक्ति राग है और ज्ञान दीन है, भक्ति राग है और ज्ञान दीन है, इतना विपरीत कनेक्शन दोनों में होने के बावजूद भी फिर ये क्यों कहते हैं कि जो जितना भक्ति करेंगे वो तो उतना ही ज्ञान पाएंगे? जितना भक्ति करेंगे या भविष्य में करते हैं भी नहीं, जितना जितनी भक्ति की है पास्ट में उतना ही वो ज्ञान उठाएगा। अगर अब भी विचारी भक्ति की है तो अब भी विचारी ज्ञान उठाएगा, अगर विविचारी भक्ति की है तो विविचारी ज्ञान उठाएगा, अगर अंत में जाकर बड़ा भक्त बना है तो अंत में ही आकर के ज्ञान उठाएगा। ये बताया भक्ति अभी करने की बात नहीं है, भक्ति तब तक की जानी है जब तक हम अंधकार में हैं। अभी तो ज्ञान सूर्य उदय हो रहा है तो हम रोशनी में होने चाहिए, अंधकार में होने चाहिए? अभी तो हम रोशनी में हैं, ज्यादा से ज्यादा हमको ज्ञान उठाना है। अगर अभी भी भक्ति की तो शरीर छोड़ना पड़ेगा, अभी भक्ति करने की तो बात ही नहीं। और कलयुग के आठ नारायण होते हैं, उनको जो ये गद्दियाँ दी जाती है उनको, जो गद्दियाँ मिलती है ना, हाँ तो पूर्वजों के आधार पर मिलती है। काहे के आधार पर? पूर्वज देती है या उनकी क्रिया जैसे विश्व पिता पहले नंबर का पूर्वज है तो सतयुग के कौन से नारायण को गद्दी देता है? पहले नारायण को गद्दी देता है। ऐसे ही जो और सात पूर्वज हैं वो बाकी सात नारायणों को जन्म देने वाले और गद्दी देने वाले, ऐसा उनका पाठ उदा हुआ है। और मुरली पॉइंट है कि जब तुम्हारा नाम बाला हो जाएगा तब सभी तुमको देने लग पड़ेंगे, जब तुम्हारा नाम बाला हो जाएगा तब सभी तुमको देने लग पड़ेंगे। क्या देने लग पड़ेंगे? तो बता नहीं बाबा, पढ़ो ध्यान से पढ़ो। पर तुम तो बड़े सर्रा हो, ऐसे का थोड़ी ही लेंगे जो उनको फालतू का भर के देना पड़े, तो ये सर्रा माने क्या बाबा?
तुम तो बड़े देने वाले हो, दाता हो, तुम किसी से लेने वाले नहीं हो। भीख कौन मांगता है? जो पुरुषार्थी होता है वो भीख मांगता है, या जो निठल्ला होता है वो भीख मांगता है? निठल्लों को भीख मांगने की दरकार है? तुम तो बड़े से बड़े पुरुषार्थी हो, मेहनती हो, हिम्मतवान हो। हिम्मते बच्चे तो मदद है बाप। तुम कोई किसी से भीख थोड़े ही लेते हो। बाप ने तो तुमको सिखाया है, तुम कोई से कुछ मत लो। बोलो, जो कुछ देना है तो किसको देना है? किसको देना है? हैं? शिव बाबा की बैंक में दो, मुझको देने की दरकार नहीं है। मैं किसी से मांगता नहीं हूं। जो भिखमंगे हैं उनको मांगने की दरकार पड़ती है। बाप को तो पूर्व जन्मों का कुछ हिसाब किताब ऐसा है। दाता का हिसाब किताब है या लेता का हिसाब किताब है? पूर्व जन्मों में देने के संस्कार रहे हैं, तो जिनको भर भर करके देना है वो स्वतः ही देंगे या मांगने की दरकार पड़ेगी? वो स्वतः ही देते हैं। और आठ प्रकार के पुरुषार्थी बताए, आठ प्रकार के पुरुषार्थी के अंदर में नंबर वन का पुरुषार्थी जो कहा गया है वो उच्च स्टेज वाला, सबसे हाई उच्च स्टेज वाला। हाँ, हाई जंप लगाने वाला, सेकंड उड़ने वाला, और जैसे कि जैसे बेड के बिस्तर पर पे सोने वाला, एक बिस्तर से सोकर के उठ के बिस्तर पे बैठने वाला, तीसरा है बिस्तर से उठ करके घूमने फिरने वाला। इस प्रकार से आठ प्रकार के पुरुषार्थी जो बताया तो उसका जो कैलकुलेशन बाबा वो आठ नंबर की 108 की 16,108 सवा 2 लाख 4.5 लाख और 9 लाख किस प्रकार से उसका व्यक्ति हो जाएगा क्या बाबा उस माला के अंदर में? ये कोई बात नहीं हुई। जो आठ प्रकार के पुरुषार्थी हैं वो आत्मा के अर्थ करते हैं ना, पुरुष अर्थ करते हैं ना, देह के अर्थ तो नहीं करते। तो आत्मा के अर्थ जो किया जाता है वो राजयोग है, और वो राजयोग राजा ही प्राप्त करने का योग है। 9 लाख ये प्रजावर्ग वाली आत्माएं हैं या राजा ही प्राप्त करने वाली आत्माएं हैं? उनमें उनकी गिनती नहीं की जा सकती। हाँ, थोड़े समय के लिए उनको राजयोग की सिद्धि होती है, इसलिए कल्प में भी थोड़े समय के लिए वो आखिरी पूर्वज कहो, आखिरी अष्टदेव कहो, राजा ही प्राप्त करता है। लंबे काल की राजा ही प्राप्त नहीं कर पाता। और भी नंबर बार कृष्णा नदी के बारे में बोला बाबा, कृष्णा नदी जो कृष्ण की बच्ची, तो बेहद में कृष्ण की बच्ची किसको कहेंगे बाबा? राधा। अनुराधा बच्ची किसको फॉलो करती है? माँ को फॉलो करती है। तो कृष्णा की बच्ची कौन हुई? अनुराधा। अनुराधा अनु माने पीछा पीछा करने वाली, पीछे पीछे चलने वाली। और गीता झाड़ और ट्री दोनों कहते हैं झाड़। है? गीता झाड़ भी कहते हो, ट्री भी कहते हो। हाथ उठाओ, कौन बोल रहा है? हाँ, गीता बाबा। हाँ,
झाड़ और बीज में बताया, झाड़ और बीज में गीता को बताया है। झाड़ भी बताया है, झाड़ तो नहीं बताया गीता को। न बीज बताया है गीता को, गीता माता है, ये बीज है, गीता तो माता है। माता जो है वो बीज नहीं होती है, बीज बाप को कहा जाता है। और गणेश से भी पहले गणेश के माता पिता अर्थात आदिदेव और आदिदेवी होते हैं। है? गणेश से भी पहले उनके माता पिता आदिदेव और आदिदेवी है। फिर भी मुरली में ये क्यों कहा कि गणेश से ही सृष्टि की शुरुआत होती है और गणेश से ही सृष्टि का अंत होती है। सृष्टि की शुरुआत होती है और उसी से सृष्टि का अंत भी होता है। हाँ, गणेश से अंत कहाँ होता है? यज्ञ में अंतिम आहुति गणेश की होती है या शंकर की होती है? अंतिम आहुति तो शंकर की होती है। ये सारी दुनिया विनाश में स्वाहा हो जाएगी तो अंतिम आहुति किसकी होगी? शंकर की होगी। आदि बताया है, आदि है बच्चा, बच्चे को आगे किया है क्योंकि कृष्ण बच्चा है, बाप बीज है, तो बाप आदिदेव, स्वयं आदिदेव होते हुए भी अपने बच्चे को आगे करते हैं। और भक्ति मार्ग में तो गणेश को बुद्धि का देवता कहते हैं, लेकिन ज्ञान मार्ग में गणेश रूपी जो ब्रह्मा की आत्मा है उसको देवी बुद्धि कहते हैं। तो गणेश कब, ब्रह्मा रूपी गणेश कब बुद्धि का देवता बनते हैं? मन, बुद्धि और संस्कार, मन ज्यादा पावरफुल है या बुद्धि ज्यादा पावरफुल है? हैं? मन, बुद्धि पावरफुल है। और मन उससे कंट्रोल्ड होता है, प्योरिटी के हिसाब से बताया। कि ब्राह्मण जीवन में या वैसे भी दुनिया में देखा जाए गृहस्थी लोग ज्यादा पवित्रता को पालन करते हैं या सन्यासी पवित्रता को ज्यादा पालन करते हैं? है? सन्यासी ज्यादा पालन करते हैं क्योंकि उनमें इतना ज्ञान ईश्वर का नहीं है। भले ज्ञान नहीं भी है तो भी पवित्रता के प्रति उनके अंदर प्यार है। ऐसे ही ये रुद्रमाला का बीज है, रुद्र बाप, विषपाई कहा जाता है, और दूसरी ओर है ये बच्चा, कृष्ण बच्चा। पवित्रता के प्रति उतना ज्ञान गहरा नहीं है, फिर भी जीवन में जो भी पुरुषार्थ किया वो पवित्र रहने का लक्ष्य लेकर के किया है या लक्ष्य को छोड़ दिया है? बोला है कर्म करना है कर्म इंद्रियों से, तो कैसे कर्म करना है?
किसको फॉलो करना है? ब्रह्मा को फॉलो करना है। कर्म इंद्रियों से ऐसे कर्म करना है जैसे ब्रह्मा ने कर्म किए। ब्रह्मा ने जो कर्म इंद्रियों से कर्म किया है, भले ज्ञान गहरा नहीं है, फिर भी कर्मेंद्रियों में जो मुख्य कर्मेंद्रिय पतन करने वाली है कामेंद्रिय, उसको काम में लाया या नहीं लाया है? काम में लाया नहीं लाया, इसलिए उनका मुख विशेष पूजा जाता है। और बाप का क्या पूजा जाता है? कौन सी इंद्रिय विशेष काम में लाई? काम इंद्रिय ही विशेष काम में लाई। तो अज्ञानता होने पर भी पवित्रता के प्रति विशेष प्यार रहा। इसलिए गणेश को आगे रखा गया है। आदि पूजा गणेश की होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में जितने भी कर्म होते हैं, जो भी कार्य होते हैं, उनकी सिद्धि कैसे होती है? पवित्रता से ही सिद्धि होती है। इसलिए जब तक कृष्ण वाली आत्मा पवित्र नहीं बनेगी, तब तक बाप का काम पूरा नहीं हो सकता। इसलिए आदि देव होते हुए भी आदि पूजा किसकी है? हैं? गणेश की है। बाबा, सबसे इतनी अच्छा मूर्ति होती है, मालूम पड़ता है पहले से कि आपको शरीर छोड़ना है और जाकर जन्म लेना है। इसकी शूटिंग यहाँ, शूटिंग यहाँ संगम युग में ही होती है। संगम युग में जब हम चाहेंगे तब मृत्यु को प्राप्त होंगे, या प्रकृति हमारे शरीर को जबरियन छोड़ देगी, छोड़ाएगी। प्रकृति जीत का मतलब क्या है? प्रकृति जीत का मतलब यह है कि प्रकृति के पांच तत्व तो हमारी मृत्यु के ऊपर विजयी न हो। जैसे कोई आदमी जल में डूब मरता है, तो जल रूपी तत्व उसकी मृत्यु का निमित्त बन गया। बाबा, मेरी लड़की अभी 18 से आई, एक दिन में नहीं रहेगी, तो दूसरे भी दिन शरीर से आई गया, पूरी 18 गए थे हम पर आई, और उसका शरीर शुद्ध गया। ठीक है, उसका पूर्व जन्म का जो हिसाब किताब था, भट्टी पूरी करने का था, सो कर लिया। अब वो आत्मा जाकर के फिर नया जन्म लेगी। ब्राह्मण पने का जो ज्ञान लेना था, वो ज्ञान का फाउंडेशन पक्का पड़ गया। अब अगले जन्म में जब जन्म लेगी, तो पक्का जन्म लेगी ब्राह्मण का या कच्चा जन्म लेगी? एक ही दिन ले। अच्छा हुआ, ड्रामा कल्याणकारी है या कल्याणकारी है? कल्याणकारी है। आपका मोह लगा हुआ है, देह से मोह लगा हुआ है या आत्मा से? बाबा से मिलना चाहती हूँ। आपका मोह देह से लगा हुआ है या आत्मा से? उसकी आत्मा याद आती है या देह याद आती है? बाबा तुम्हारे को मिलने चाहती थी। वो तो बाबा से अगले जन्म में भी जाके मिलेगी। जिसकी अंदर से लगन है हमें बाबा से मिलना है, और शरीर छोड़ दिया तो अंत मते सुगते, तो बाबा की गोद में जाके जन्म लेगी। ऐसे परिवार में जाके जन्म लेगी जो बाबा के बिल्कुल नजदीक होगा। जो नजदीकी परिवार वाले होते हैं, उनके घर में बच्चे पैदा होते हैं, तो उन बच्चों को बाबा गोद में लेगा या नहीं लेगा? लेगा। तो नजदीकी हुआ या दूर हुआ? आप रो रहे हैं और बाबा हंस रहा है,
हरी माने कृष्ण, तालिका माने ताली बजाना। आपने बोला है कि नर द्वारा नर्क और नारी के द्वारा का स्वर्ग स्थापन होता है, नर के द्वारा नर्क। हाँ, जितने भी पुरुष हैं सब दुर्योधन दुशासन है, तो क्या बनाते हैं? नरक बनाते हैं। और नारी, नारी के द्वारा स्वर्ग बाप स्थापन करते हैं, उसी नारी के द्वारा नर नरक बनाते हैं। नारी को वैश्या बनाएंगे, फिर जो दुनिया बनेगी उसका नाम पड़ेगा वैश्यालय, वो वैश्यालय ही नरक बन जाता है। नारी माध्यम बनती है, नरक बनाने के भी माध्यम बनती है और स्वर्ग बनाने के भी माध्यम बनती है, लेकिन बनाने वाले के ऊपर मदार है कि नारी को किस रूप में यूज करता है। भगवान बाप आते हैं तो ऐसे यूज करते हैं कि नारी स्वर्ग का द्वार खोलने के निमित्त बन जाती है, और पुरुष ऐसे यूज करते हैं जिससे वो व्यभिचारिणी वैश्या बन जाती है। प्रश्न रहा ना, तो जिसमें नारी रूप में जगदम्बा निमित्त बनती है नर्क स्वर्ग स्थापन करने में, वैसे ही नर्क बनाने के लिए कौन से नर निमित्त बनते हैं? कौन सा नर निमित्त बनते हैं? जो प्रजापिता है वो भगवान है या नर है? क्या है? नर है। जो नर है प्रजापिता वो ही माध्यम बनता है। किसका माध्यम बनता है? शिव बाप का माध्यम बनता है। जब शिव बाप का माध्यम बनता है तो वो ही प्रजापिता नारी से क्या बनवाता है? स्वर्ग बनवाता है। वो ही प्रजापिता जब कलयुग के अंत में मनुष्य गुणियों के प्रभाव में आ जाता है तो क्या बनाता है? नरक बनाता है। बाबा, हाँ, तो मतलब पुरुषार्थ करती है और ज्ञान सुनती है तो अस्त्र गुरु में आ जाएंगे। नारायण जैसे कैसे हो जाएगा? नारायण समान भी नहीं हो जाएगा। नारी और नर में अंतर होता है या नहीं होता है? नर और नारी में जैसे अंतर है वैसे नारायण और नारायणी में भी अंतर है। नर में भगवान प्रवेश करता है और नारी में भगवान प्रवेश नहीं करता है, लेकिन भगवान जिसमें प्रवेश करता है वो आत्मा उसके दिल और दिमाग में समा जाती है। किसमें? नारी में, जो नारायणी बनने वाली है। तो अंतर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ जाएगा। जो विजय माला बनती है वो युगल मणकों की माला है या सिंगल मणके की माला है? हैं? सिंगल मणके की माला है। विजय माला, विजय माला में ऊपर युगल मणका होता है, वो 108 से बाहर है या 108 के अंदर है? हैं? बाहर है। तो 109वां कहें? नहीं कह सकते। वो सिर्फ ये बताता है युगल मणका कि जितने भी नीचे मणके हैं वो सब युगल जोड़ी है, सिंगल नहीं है। इसलिए लक्ष्मी नारायण का संस्कार मिलकर के जब एक हो जाएगा तो आधे जन्म स्त्री के वो लेगा और आधे जन्म स्त्री के वो लेगी।
आधा साझा हो जाता है, अर्धांगिनी कही जाती है। पवित्रता की आधी ताकत से नारायण का काम होता है। और ज्ञान की ताकत से नारायणी का काम होता है। दोनों एक दूसरे के परस्पर सहयोगी बन जाते हैं। तो युगल मण का कहा जाता है, मण का तो एक ही है, इसलिए आठ देवों में से एक है लक्ष्मी नारायण का मिला हुआ संस्कार। संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं। क्या संस्कार खास हैं? लक्ष्मी संस्कार हैं बकरी के, जो कान पकड़ ले उसी के अंडर में आ जाएगी, माने जो कान में काना फूसी कर दे उसी से प्रभावित तो हो जाती है। बरगलाई स्त्रियां ज्यादा जाती हैं या पुरुष ज्यादा बरगलाए जाते हैं? स्त्रियां बरगलाई जाती हैं। तो लक्ष्मी का जो संस्कार है वो बकरी जैसा संस्कार है, और नारायण का संस्कार शेर जैसा संस्कार है। वो किसी के बरगला में भी नहीं आ सकता, किसी के सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करने वाला नहीं है। जो धर्मराज का पाठ बजाने वाली आत्मा है वो किसी की सुनी सुनाई बातों में विश्वास कर लेगी या प्रूफ मांगेगी? हर बात का प्रूफ मांगेगी। और बाबा लेकिन बोलते हैं बाबा सूर्य मंदिर से चार देव निकलते हैं और चंद्र देव, चार नहीं है आठ हैं। सूर्यवंशी में भी आठ हैं और चंद्रवंशी में भी आठ हैं। दोनों आठ और आठ मिलकर के कितने युगल मण के हुए हैं? आठ युगल मण के हुए। वो आठ युगल जोड़ी ही अष्टदेव हैं। वो संपूर्ण विजयमाला कही जाएगी। रुद्रमाला भी अधूरी है अभी और विजयमाला भी अभी अधूरी है। जब दोनों मिलकर के एक हो जाएंगे स्वभाव संस्कार मिलकर के, शेर और बकरी के स्वभाव संस्कार मिलकर एक हो जाएं, तब कहेंगे संपन्नता हो गई। और सर्प दिखाई देता है। सामने में रहते हैं तो कुछ चीता नहीं कहते, चिंता नहीं होता, चिंता नहीं माने डरते नहीं है, तो अच्छी बात है। रहती है क्या? आप शिव शक्ति हैं, डरेंगे क्यों? सांपों से डरना है या सांपों की मुड़िया कुचल देनी है? हैं? अभी शिव बाबा है ना आपके साथ, तो आपको डर क्यों लगेगा? पार्वती को शंकर की गोद में बैठा हुआ दिखाते हैं, तो वो शिव शक्ति है या सांप से डरने वाली है? हैं? शिव शक्ति है। जो गले में सांप है, सर के ऊपर सांप है, गल कमर में सांप है, भुजाओं में सांप है, वो तो फूं फूं करते ही रहते हैं, तो वो उठ के भाग जाएगी क्या? हैं? नहीं भाग सकती। तो आपको भी डर का क्यों लगेगा? पंडे बाप को सुप्रीम फादर कहेंगे, है? सुप्रीम फादर कहेंगे, बाप को सुप्रीम फादर कहेंगे, स्पिरिचुअल फादर नहीं। स्पिरिचुअल फादर बहुतों को कहते हैं, सुप्रीम फादर तो बापों के बाप को ही कहेंगे। तो ये स्पिरिचुअल फादर का अर्थ क्या है? स्पिरिचुअल का मतलब स्पिरिट, स्पिरिट, स्पिरिट कहते हैं शक्ति को। कौन सी शक्ति दुनिया में सबसे बड़ी है? है? दुनिया में कौन सी शक्ति सबसे बड़ी है?
अरे आत्मा, आत्मा खुद ही स्प्रिट है, स्पिरिचुअल नॉलेज, हिंदी में कहते हैं आध्यात्मिक ज्ञान, अधिमाने अंदर, आत्मा माने आत्मा, अधि आत्मा माने अध्यात्म, आत्मा के अंदर का ज्ञान, आत्मा बिंदी, अब बिंदी के अंदर भी 84 जन्मों का ज्ञान, जिसको हो जाए उसको कहेंगे आध्यात्मवादी, जिसमें वो सदैव ज्ञान भरा हुआ है वो है आध्यात्मिक ज्ञान का दाता। आध्यात्म ज्ञान देने वाला दुनिया में सिर्फ एक ही है जो आत्मा के अंदर का ज्ञान देता है, स्पिरिचुअल नॉलेज देता है, वो है परमपिता परमात्मा शिव। लक्ष्मी नारायण की आत्माएं भी नहीं है जो स्पिरिचुअल नॉलेज देने वाली हो, वो दिया हुआ देती है या खुद देने वाली है? दिया हुआ देती। और धूली पांडे की छोटे बच्चे को सतो प्रधान कहते हैं, बड़ा हुआ तो सतो रजो तमो में, रजो और तमो में कहेंगे, इसलिए कृष्ण को बहुत प्यार से याद करते हैं। वास्तव में आयु के हिसाब से लक्ष्मी नारायण को सतो कहेंगे, तो इसका क्या अर्थ है बाबा? क्योंकि युवा अगर लक्ष्मी नारायण है तो रजो तमो में आयु वो है संगमयुगी लक्ष्मी नारायण की बात, और जो सतो रजो तमो चार अवस्थाओं से गुजरता है वो है आत्मा की बात, जो चार युगों में जन्म लेते लेते पसार होती रहती है कृष्ण की आत्मा। और यशोदा के बारे में हो गया, यश देने वाली यशोदा कौन से यश काय से मिलता है? शिव बाबा को जो यश मिलता है, कीर्ति मिलती है, बच्चे ही कीर्ति देते हैं, संसोज फादर, बच्चे ही बाप को प्रत्यक्ष करते हैं, यश देते हैं। तो जो यश देने वाली है यशोदा, वो कन्याएं माताएं यश देने वाली हैं या पुरुष यश देते हैं? हैं? बाप को प्रत्यक्ष किसने किया? शिव बाप कहते हैं कि भक्ति मार्ग में कहा जाता है त्रिमूर्ति शिव, ब्रह्मा मूर्ति विष्णु मूर्ति, दो देव हैं और देव देव महादेव है, तो तीन बच्चे हैं शिव के या एक बच्चा है? तीन बच्चे हैं, तो कोई तो पहले उठी का होगा है? कहते हैं देव देव महादेव, जिसने ज्ञान ज्यादा उठाया उसको कहेंगे बड़ा, तो महादेव हो गया बड़ा, गॉड इज वन, तो गॉड का बच्चा भी वन कहा जाता है, है तो बच्चा वन, लेकिन क्या दुनिया को स्वर्ग बना पाता है? बना पाता है नहीं, क्यों नहीं बना पाया है? क्योंकि विषपाई है, उसे किसका सहयोग लेना पड़े? लक्ष्मी का सहयोग लेना पड़े। लक्ष्मी विषपाई नहीं है, ये अंतर पड़ जाता है। और रामवाली आत्मा लक्ष्मी के लिए कहा जाता है,
क्या जो यश दे वो यशोदा, दा माने देने वाला, यश माने कीर्ति। जो कीर्ति देता है, यश देता है, वो यशोदा है। संक्षेत्र से शंकर का पाठ प्रत्यक्ष होता है। कितने साल हो गए हैं? अरे कितने साल हो गए अब तक? अरे 35-36 साल हो गए हैं? हो गए ना? नहीं हुए? हो गए। शिव बाप को यश मिला, प्रत्यक्षता हुई है? नहीं हुई। अभी भी परमात्मा सर्वव्यापी है दुनिया में, या एक व्यापी सिद्ध हुआ? तो यश मिल रहा है या अपयश मिल रहा है? अभी भी अपयश मिल रहा है। प्रत्यक्षता तब ही होगी जब जब लक्ष्मी का पुरुषार्थ ऐड हो जाएगा। दुनिया के सारे काम प्योरिटी से होते हैं। बाबा जी, तुम रावण को मारने के लिए चले जाते हैं, वैसे ही कृष्ण भी राधा को गोकुल में छोड़कर अनाकंत को मारने के लिए चले। तुम पावन को करो की माता राम ने बोला, राम ने सीता को कहा है ना, पावन को करो की माता, फिर ऐसे बोलकर फिर राम ही फिर रावण को मारने के लिए चले जाते हैं। तो राम और कृष्ण जो शास्त्रों में दिखाए गए हैं, वो किसका पार्ट है? राम भगवान दिखाया गया है, कृष्ण भगवान दिखाया गया है, वास्तव में वो भगवान का पार्ट है किसका है? शिव बाबा का। शिव बाबा ही रास्ता बताता है कि तुम्हारा रास्ता है याद करने का। याद माने स्नेह, प्यार, वो ही है योगाग्नि है। राधा की योगाग्नि, वियोगाग्नि दिखाई गई है। सीता भी जब राम से अलग होगी, याद में रहेगी, नजदीक नहीं रहेगी, तो वियोग है या योग है? वियोग है, उसे विशेष योग भी कहें। तो कंसी या रावण संप्रदाय दोनों निशाचर नहीं है, अज्ञान अंधकार में विचरण करने वाले नहीं है? निशाचर हैं या नहीं है? कंसी जरासिंध जी भी निशाचर हैं, चाहे एडवांस हो चाहे बेसिक हो। जो अज्ञान अंधकार में विचरण करते हैं, बाप को नहीं पहचानते हैं, वो अज्ञान अंधकार में विचरण करने वाले चंद्रमा की रोशनी में विचरण करने वाले निशाचर हैं, या ज्ञान सूर्य की रोशनी में विचरण करने वाले हैं? और बाबा, जैसे धर्म पिताओं ने निराकार बाप को याद किया तो उनके चित्र भी निराकार स्टेज के दिखाते हैं, तो ऐसे ब्रह्मा ने भी शिव ज्योतिबिंदु निराकार को भी याद किया तो उनके चित्र निराकार स्टेज के क्यों नहीं बताते? इसलिए नहीं दिखाते हैं कि ब्रह्मा शिवो हम बन के बैठा हुआ है, बल निराकार को याद किया। परंतु क्या समझता है कि मेरे में ही शिव भगवान है, मैं ही गीता का भगवान हूं? और
गंगा को बैठी हुई दुनिया में एक बार दिखाया गया है। वैकुंठ में दुनिया में बैठी हुई एक बार दिखाया गया है, लेकिन देवताओं के द्वारा तीनों बार बैठी हुई दिखाया गया है। ब्रह्मा के द्वारा कमंडल से बैठी हुई दिखाई गई है, कृष्ण के द्वारा अंगुली से बैठी हुई दिखाई गई है, और शंकर के जटाओं से भी बैठी हुई दिखाई गई है। इसका कारण ये है कि ब्रह्मा का बुद्ध रूपी कमंडल है। क्या ब्रह्मा का क्या है? बुद्ध रूपी कमंडल है, और विष्णु का चरण कमल है, पांव है, वो पांव भी बुद्धि की निशानी है। विष्णु का पार्ट पहले है या ब्रह्मा का पार्ट पहले है? हैं? ब्रह्मा का पार्ट पहले है। गंगा पहले विष्णु के चरण से निकली या ब्रह्मा के कमंडल से पहले निकली या शंकर की जटाओं में पहले बैठ गई? पहले कौन सा पार्ट है? नहीं, एक ही पहले है, पहले पहले है या बाद में बनता है विष्णु? ब्रह्मा से विष्णु पहले ब्रह्मा है, बाद में बाद में विष्णु है। लेकिन शास्त्रों में जो दिखाया गया है, पहले पहले गंगा कहाँ से निकली? है विष्णु के चरण कमल से निकली। तो जब सृष्टि की आदि हुई, नई सृष्टि की, तो पहले पहले कौन था? अरे पहला पहला कोई युगल होगा कि नहीं? कौन? विष्णु। पहला पहला युगल विष्णु हुआ ना सृष्टि की आदि में। तो जो आदि में कौन हुआ फिर? अरे ब्रह्मा बाबा तो नहीं हुए, उनकी तो युगल यशोदा थी, और वो यशोदा तो ज्ञान में और भी ज्यादा डब्बू, वो उनका साथ नहीं दे सकी, इसलिए फिर मम्मा को निमित्त बनाया। इसका मतलब अंतिम जन्म में ब्रह्मा बाबा, दादा लेखराज और यशोदा तो विष्णु रूप नहीं थे। कौन थे विष्णु रूप? है हाँ, राम वाली आत्मा और राम की साथी, सीता वाली आत्मा कहो, पार्वती कहो या लक्ष्मी कहो, दोनों ही विष्णु रूप थे। उनके बुद्ध रूपी चरण कमल से कौन निकली? गंगा निकली। वो गंगा आदि में निकली तो किसके पल्ले पड़ गई? ब्रह्मा के कमंडल में जाके गिरी। फिर वहां से निकली तो कहां गई? शंकर की जटाओं में रम गई। सारी बातें कहां की हैं? यहां की बातें हैं। छोटा छोटा प्रश्न पूछा करो, लंबी लंबी पढ़ाई कौन पढ़ेगा? बाबा, शांतनु और सत्यवती ने विवाह करके भीष्म पितामहों को जन्म दिया, अन्य क्या है बाबा? शांतनु और सत्यवती का विवाह हो गया, भीष्म पितामहों को अन्य हुआ था। शांतनु और सत्यवती का विवाह हो गया। अन्याय हो गया? अन्याय हो गया या उन्होंने अन्याय अपने आप सर पर मोल ले लिया? तो हो गया ऐसे क्यों कहें? किसी दूसरे ने थोड़ा ही कर दिया। है?
ब्राह्मण की दुनिया में गंगा कौन है? गंगा है या नहीं है? गंगा है तो गंगा की पूजा करने वाला उसका पुत्र भी कोई है या नहीं है? भीष्म पितामह है, और भीष्म पितामह जो पुत्र है, जो शांतनु है, वो गंगा को अपनाए रखता है या गंगा चली जाती है रुष्ट होकर के? हैं? गंगा रुष्ट होके चली जाएगी तो शांतनु को तो शांति नहीं है। शांति है? नहीं है। उन्हें तो चाहिए, तो वो सत्यवती को अपना लेते हैं। शांतनु सत्यवती को जब अपनाते हैं तो अड़चन आती है। उस अड़चन को दूर करने के लिए पुत्र ने ये भीष्म प्रतिज्ञा धारण की कि मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा। तो अच्छा किया या बुरा किया? हैं? अच्छा किया, इसलिए पावरफुल आत्मा बन जाती है। सभी सन्यासियों के बीच में सबसे जास्ती पावरफुल है।